Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Relay College, University of Allahabad. It is by email ID, the lecture will be in bilingual mode, and it is a very, very, very important topic for anyone who is related with education in any manner. Okay, and the topic is John Dewey. John Dewey, a great educational thinker, and we are talking about John Dewey's view on education. Okay, so let's start. First of all, John Dewey. हम सभी लोग हमने education को as a discipline किसी भी रूप में पढ़ा हो, BA, BMA, BEd, MEd या कहीं भी, तो आपने John Dewey का नाम सुने बिना आपकी पढ़ाई complete नहीं हो सकती है. इतना इनका influence है education पर. तो John Dewey कौन थे? John Dewey was an American philosopher. ये American philosopher थे and educator who was a co-founder of the philosophical movement known as pragmatism. ये pragmatism से इनका नाम जुड़ता है. प्रयोजनवाद. अगर हम surface level पर John Dewey को जानते हैं तो हम जानते हैं कि John Dewey का pragmatism से लेना देना है. लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि pragmatism को इन्होंने किस रूप में प्रस्तुत किया और अक्सर कि हम उसको पढ़े बिना ही John Dewey को समझकर निकल जाते हैं कि हाँ हम जान गए हैं John Dewey के बारे में, पर ऐसा नहीं. John Dewey was an American philosopher and educator who was a co-founder. मतलब कि इन्होंने साथ में pragmatism पे काम किया. इसका मतलब इनके अलावा भी कोई है जिसने pragmatism पे काम किया है. A pioneer in functional psychology. देखिए, generally हम लोग John Dewey को philosopher के रूप में जानते हैं. Psychology में भी इनका कोई role है ये मैं तो नहीं जानती थी अभी, जब तक मैंने John Dewey को इतना detail में नहीं पढ़ा. A pioneer in functional psychology and an innovative theorist of democracy. देखिए, जब भी हम लोग John Dewey के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो हम जानते होंगे कि उन्होंने कहा था, बहुत famous quote है उनका, school as a social institution या school as a miniature society. तो democracy पे बहुत काम है. डेमोक्रेसी पर इन्होंने बहुत सोशल फंक्शन और इन सबसे स्कूल को एजुकेशन को जोड़ा. एंड अ लीडर ऑफ द प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन एजुकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शिक्षा के प्रोग्रेसिव मूवमेंट को चलाने वाले ये प्रणेता थे. अच्छा, प्रोग्रेसिव मूवमेंट को, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को हम लोग अभी पढ़ लेंगे बाद में. तो जैसे नाम से लगता है कि कुछ उन्नति परक की बात हो रही है, लेकिन इसका उन्नति से क्या तात्पर्य इन्होंने बताया. John Dewey was a pragmatist. तो क्या क्या हो गया, ये pragmatist हुए, progressivist हुए, educator हुए, philosopher हुए and a social reformer. इसमें psychologist जिसमें भी छूट गया, psychologist भी. Dewey's various roles greatly impacted education. He was perhaps one of the most influential educational philosophers known to date. यानी कि till date, आज तक के समय में जितने भी philosopher, educational philosopher हुए हैं उनमें आप कह सकते हैं कि most influential ये हुए, यानी कि सबसे ज्यादा प्रभुत्व इनका रहा. He felt strongly that people have a responsibility to make the world a better place to live in through education and social reform. मतलब ये बहुत शिद्दत से महसूस करते थे कि लोगों पर ये जिम्मेदारी है कि वो इस विश्व को एक बेहतर स्थान बनाए रहने के लिए. और किसके थ्रू हो सकता है ये? शिक्षा के द्वारा हो सकता है और सामाजिक सुधार के द्वारा हो सकता है. डीवी हैड अ वाइटल इन्फ्लुएंस ऑन साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड फिलोसफी. यानी कि इन तीन विधाओं में इनका बहुत बहुत इन्फ्लुएंस है, साइकोलॉजी में, शिक्षा में और फिलोसफी में. यानी मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और शिक्षा, तीनों के विद्यार्थी, इवन सोशियोलॉजी के भी, क्योंकि इन्होंने सोशल रिफॉर्म की बात की है, डेमोक्रेसी की बात की है, तो सोशियोलॉजिस्ट भी हुए ये. यानी कि ये चार विधाएं ऐसी हो गई जिनमें हमको John Dewey को पढ़ना होता है. ओके, फिर John Dewey की अगर बायोग्राफी, एकदम क्विक रिव्यू इनका, क्विक रिकैप, कैसे क्या किया इन्होंने, कब किया. हिज इंटरेस्ट मतलब कि ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ जॉर्ज विलहेम फ्रेडरिक हीगल टू द न्यू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बीइंग एडवांस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स बाय जी स्टैनले हॉल. देखिए, जी स्टैनले हॉल का नाम अगर आपने एडोलेसेंट साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे आप, तो आपने जी स्टैनले हॉल का नाम सुना होगा. इन्होंने क्या कहा था, इन्हीं का ये कहा, कथन है कि जो एडोलेसेंस जो है, जो किशोरावस्था है, वो स्ट्रेस और स्टॉर्म की स्टेज होती है. तो ये जॉर्ज विलहेम फ्रेडरिक हीगल से इनका इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया जी स्टैनले हॉल जो काम कर रहे थे साइकोलॉजी में. एंड द प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स. और विलियम जेम्स की तरफ ये शिफ्ट हो गए, कहां से, हीगल से. ही स्पेंट अ ईयर स्टडीइंग अंडर द गाइडेंस ऑफ जी स्टैनले हॉल एट जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इन अमेरिकाज फर्स्ट साइकोलॉजी लैब. यानी कि अमेरिका की जो पहली मनोविज्ञान शाला बनी उसमें इन्होंने जी स्टैनले हॉल के अंदर, मतलब अंडर पढ़ाई की एक साल उनके निर्देशन में.
Further study of child psychology prompted DV to develop a philosophy of education that would meet the needs of a changing democratic society. तो हमको देखिए किसी भी विचारक को जब हम पढ़ते हैं तो हमको उसका देश काल समझना होता है कि जब इनका उद्भव हुआ तो अमेरिका में किस तरीके का समाज था, क्या हो रहा था, क्या शिफ्टिंग चल रही थी, किस किस का इन पर प्रभुत्व रहा, उसी हिसाब से उनके विचार निकलते हैं। तो जो चेंजिंग डेमोक्रेटिक सोसाइटी चल रही थी अमेरिका में, उस पे से प्रभावित होकर इन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी में और डेमोक्रेसी को इतना महत्वपूर्ण, इतना उस पर बल दिया, इतनी उस पर बातें की हैं। फिर इन्होंने क्या किया, 1894 में ही ज्वाइन द फैकल्टी ऑफ फिलोसफी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ज्वाइन कर लिया इन्होंने फिलोसफी की फैकल्टी के रूप में, वेयर ही फर्दर डेवलप्ड हिज प्रोग्रेसिव पेडागॉजी इन यूनिवर्सिटीज लेबोरेटरी स्कूल्स, और ये काम करते रहे अपना उस पर। और 1904 में डीवी लेफ्ट शिकागो फॉर कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क सिटी, फिर मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए, वेयर ही स्पेंड द मेजॉरिटी ऑफ हिज कैरियर, जहाँ पर उन्होंने अपने कैरियर का अधिकांश समय व्यतीत किया है, एंड रोट हिज मोस्ट फेमस फिलोसॉफिकल वर्क एक्सपीरियंस एंड नेचर, और यहाँ पर ये अपना सबसे महत्वपूर्ण फिलोसॉफिकल काम लिखते हैं एक्सपीरियंस एंड नेचर, जिसकी की हेडिंग है 1925। ये तो इनकी एक क्विक बायोग्राफी हुई। अब इतने टॉपिक हैं जो जॉन डीवी से जुड़ते हैं और हम सब पर बात करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पता सब कुछ चल जाएगा। जॉन डीवी ज्वाइंड एंड गेव डायरेक्शन टू अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म, यानी अमेरिका का जो प्रयोजनवाद है उसको उन्होंने ज्वाइन किया और उसको दिशा देते हैं, प्रणेता नहीं है प्रैग्मेटिज्म के लिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। विच हैड बीन इनिशिएटेड बाय द लॉजिशियन एंड फिलोसोफर चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, यानी कि चार्ल्स सैंडर्स सी एस पियर्स जो मिड 19th सेंचुरी में प्रैग्मेटिज्म चला रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, उसको ये ज्वाइन करते हैं, उसको दिशा देते हैं, एंड कंटिन्यूड इनटू द अर्ली 20th सेंचुरी बाय विलियम जेम्स। जॉन डीवी इज क्रेडिटेड एज फाउंडिंग ए फिलोसॉफिकल अप्रोच टू लाइफ कॉल्ड प्रैग्मेटिज्म, लेकिन हम लोग जब सुपरफिशियली पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जॉन डीवी ने ही प्रैग्मेटिज्म शुरू किया और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैग्मेटिज्म तक सीमित है, पर ये अपनी फिलोसॉफी को प्रैग्मेटिज्म नेचुरलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म करके क्या नाम देते हैं ये मैं आगे बताऊंगी आपको। एंड हिज अप्रोचेस टू एजुकेशन एंड लर्निंग हैव बीन इन्फ्लुएंशियल इंटरनेशनली एंड एंड्योर्ड ओवर टाइम, और इनकी जो विचार थे वो पूरा मतलब विश्व में ग्लोबली इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले और बहुत समय तक फैले, और इवन आज भी हम लोग बात करते हैं उनके विचारों पे। ही सॉ द पर्पस ऑफ एजुकेशन टू बी द कल्टीवेशन ऑफ थॉटफुल क्रिटिकली रिफ्लेक्टिव सोशली इंगेज्ड इंडिविजुअल्स, इन्होंने उस वक्त सोचा था कि कब ये बातें कर रहे हैं, 100 साल से ज्यादा पुरानी बातें, 150 साल पुरानी, ये एक 125 साल पुरानी, कह रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि हम विचारक उत्पन्न करें, क्रिटिकली रिफ्लेक्ट कर सकें, जो जो सोशली इंगेज्ड हो इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स पैदा करें, रादर देन बजाय इसके पैसिव रेसिपियंट्स ऑफ एस्टैब्लिश्ड नॉलेज, पहले से जो किताबों में लिखा है उसको स्वीकार करने रहने वाला निष्क्रिय प्राणी ना उत्पन्न करें। ही रिजेक्टेड द रोट लर्निंग अप्रोच ड्रिवन बाय ए प्री डिटरमाइंड करिकुलम व्हिच वाज द स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड एट द टाइम, मतलब कि इन्होंने क्या किया कि जो पहले से सुनिश्चित पाठ्यक्रम था उस वक्त का, जो स्टैंडर्ड मेथड चल रहा था, जो रोट लर्निंग थी मतलब रट रट के याद करने की प्रक्रिया थी, उसको इन्होंने टोटली रिजेक्ट किया। और क्या किया इन्होंने, और इनकी फिलॉसफी किसका ब्लेंड है, डीवीज फिलॉसफी रिप्रेजेंट्स ए हैप्पी ब्लेंड ऑफ नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म, थोड़ा सा आपको फिलॉसफी के बारे में पता होना चाहिए डीवी साहब को पढ़ने से पहले, कि इनकी थ्योरी जो है वो प्रकृतिवाद और आदर्शवाद का मिक्सचर है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विन। एक डार्विन महोदय है, कौन कौन ऐसा विचारक नहीं है जो इनसे प्रभावित ना हुआ, इनकी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी को हर विधा में पढ़ा गया, उसके इम्प्लीकेशंस निकाले गए, और कितनी ये, क्योंकि जो डार्विन का वाद है वो एक तरीके से जो रिलीजन या रिलीजियस जो वाद चल रहा था उसका एक वो रिवॉल्ट है कि ईश्वर ने मनुष्य संसार की प्रकृति की रचना की, मनुष्य की रचना की, उसको ये रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा फिट था वही सर्वाइव किया, और फिर वो बाद में क्या हो गया, हेरिडिटरी में आ गया, मतलब उसके जीन्स में आ गया, यही तो है डार्विन का बाद। तो इन्होंने डार्विन के बाद से कंसेप्ट लिया है एंड द प्रैग्मेटिज्म ऑफ विलियम जेम्स, और विलियम जेम्स के प्रयोजन बाद से ये लेते हैं अपने व्यूज। लाइक डार्विन, डार्विन के हिसाब से ये क्या सोचते हैं, He believes that the world is still in the process of making. देखिए डार्विन ये कहते हैं कि survival of the fittest चल रहा है, वो कहीं रुकता नहीं जाके। उसी तरीके से डीवी भी कहते हैं कि world is still in the process of making. जो संसार है वो अभी भी चलने की, बनने की प्रक्रिया में है। And that life in this world is an ever-changing and self-renewing process. यानी कि और जो इस संसार में जीवन है वो सतत परिवर्तनशील है और वो renew होता रहता है। Like William James, और William James ये क्या लेते हैं, He believes that whatever useful is good. देखिए pragmatism यही है, pragmatism क्या कहता है कि जो कुछ भी useful है वही अच्छा है,
एंड वॉट एवर गुड इज यूजफुल, और जो कुछ भी आपके लिए अच्छा है वही यूजफुल है. ट्रूथ इज ऑल्सो दैट विच वर्क. ये कह रहे हैं, ये कहीं सनातन धर्म सनातन सत्य की बात नहीं करता है प्रैग्मेटिज्म. वो कहता है कि विच फुलफिल्स अवर पर्पज वही ट्रूथ है. एक लाइन मिस हो गई, कोई बात नहीं. ट्रूथ इज ऑल्सो दैट, मैं चाह रही थी कि मैक्सिमम कंटेंट आपको दे सकूँ, इसीलिए इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत काम है इनका, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करते हुए भी इतना हो गया है. तो ट्रूथ इज ऑल्सो मतलब सत्य वो है. आप कहते हैं ना कि आपको किसी भी फिलोसफी की ट्रूथ ब्यूटी गुडनेस देखनी होती है कि क्या सत्य सत्यम शिवम सुंदरम क्या है उस फिलोसफी का. तो प्रैग्मेटिज्म के लिए ट्रूथ वो है जो काम करता है, जो काम आए आपके वही सच है, वही सत्य है, और जो यूजफुल है वही आपका पर्पज सॉल्व करता है, वही आपके लिए गुडनेस है. ये प्रैग्मेटिज्म है. ओके, लेकिन ये अपनी कौन थ्योरी को क्या नाम देते हैं? इंस्ट्रूमेंटलिज्म. कितने लोग हम लोगों में से ऐसे हैं जो डीवी को इंस्ट्रूमेंटलिज्म के नाम तौर पर जानते हैं? हम लोग जनरली डीवी को मानते हैं कि डीवी प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है और हम वहीं पर हमारी बात खत्म हो जाती है. लेकिन ये थोड़ा सा एक वो ऊपर कर देती थी, नीचे वाली लाइन आ जाती. चलिए कोई नहीं, वो मैं बता दूंगी आपको, खत्म हो रहा है वहाँ पे. डीवी पर्टिकुलर वर्जन ऑफ प्रैग्मेटिज्म, यानी कि जो इनका प्रयोजनवाद का पर्टिकुलर वर्जन था जिसको कि इन्होंने नाम दिया इंस्ट्रूमेंटलिज्म. इंस्ट्रूमेंटलिज्म का मतलब है यंत्रवाद, करणवाद इसको हिंदी में कहेंगे. तो ये अपनी फिलोसफी को प्रैग्मेटिज्म ना कहलवा के इंस्ट्रूमेंटलिज्म कहलवाना चाहते थे या चाहते हैं, सॉरी चाहते थे. इज द व्यू that knowledge results from the discernment of correlations between events or processes of change. ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है वो change है, event है, घटनाओं के बीच के correlation से हो रही है. DV held that ideas are instruments or tools. ये कह रहे हैं कि जो हमारा idea है वही हमारा औजार है, वही हमारा उपकरण है जो कि क्या कर सकता है, that humans use to make greater sense of the world. यानी कि अपने विचारों से ही हम जो संसार है उसका greater sense perceive कर सकते हैं. Ideas are plans of action and predictors of future events. और हमारे ideas ही हमारे plans of action होते हैं और हमारे जो भविष्य में करने वाले होते हैं उसका भविष्यवक्ता होते हैं. तो ये आइडिया जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए थ्योरी इंस्ट्रूमेंटलिज्म है. और इसको नाम दे तो बहुत डिटेल में इंस्ट्रूमेंटलिज्म में ही हम चले जाएं, लेकिन इंस्ट्रूमेंटलिज्म को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये नेचुरलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म है. ओके, फिर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो करणवादी होते हैं वो क्या विश्वास करते हैं, उनका अजम्पशन क्या है? वो बिलीव करते हैं दैट इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड करेक्ट, यानी कि सही होने के लिए क्या होना चाहिए, अ थ्योरी मस्ट बी सक्सेसफुली अप्लाइड. यानी कि चूंकि प्रैग्मेटिज्म से निकली हुई शाखा है ना, तो हर जगह क्या आएगा, प्रयोजन आएगा. जो कार्य सिद्ध हो, जो सफल हो, वही सत्य है, वही अच्छा है. अ थ्योरी मस्ट बी सक्सेसफुली अप्लाइड, यानी कि जो थ्योरी है उसको सक्सेसफुली अप्लाई एप्लीकेशन उसका होना चाहिए. इन अदर वर्ड्स, इंस्ट्रूमेंटलिज्म इज अ बिलीफ दैट प्रैक्टिस एंड थ्योरी आर लाइन. और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि करणवाद जो है वो एक विश्वास है कि जो प्रैक्टिस है और जो थ्योरी, मतलब जो हम पढ़ते हैं और जो हम करते हैं, उन दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए. यानी कि हम वही पढ़ें जो हमको करना है, या हम वही करें जो हम पढ़ रहे हैं. ओके, तो प्रैक्टिस एंड थ्योरी मस्ट बी सिंक्रोनाइज, प्रैक्टिस एंड थ्योरी मस्ट बी इन वन लाइन. फिर और क्या है इंस्ट्रूमेंटलिज्म? इट इज अ फॉर्म ऑफ फिलोसॉफिकल प्रैग्मेटिज्म, यानी कि ये फिलोसॉफिकल प्रैग्मेटिज्म है. एज इट अप्लाइज टू द फिलोसॉफी ऑफ साइंस. The term itself comes from the American philosopher John Dewey's name for his own more general brand of pragmatism. ये बात हो चुकी. According to which, the value of any idea is determined by its usefulness. यानी कि किसी आइडिया की वैल्यू तब तक है जब तक वो यूजफुल है. अगर वो यूजफुल नहीं है तो वो आइडिया बेकार है. Is determined by its usefulness in helping people to adapt to the world around them. यानी हमारे इर्द गिर्द जो संसार है उसका वो हमारे लिए अनुकूलित हो सके, उसमें अगर वो आइडिया हेल्प करता है तब तो बढ़िया है. DV's instrumentalism relates knowledge to action or theory to practice. ये हमारे ज्ञान को कर्म से और सिद्धांत को प्रैक्टिस से जोड़ता है. Science is to be integrated into the realm of values in order to overcome the separation of theory from practice. ये कहते हैं साइंस की सबसे बड़ी कमी ये है कि साइंस ने वैल्यू को छोड़ दिया. कब ये बातें कर रहे हैं, ये सब हम लोग आज भी नहीं इसको फॉलो कर पा रहे हैं. जितना हम साइंटिफिक होते हैं उतना हमको लगता है कि वैल्यू लेडन होना खराब है, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, साइंस इज टू बी इंटीग्रेटेड इन टू द रियल ऑफ वैल्यूज. यानी कि साइंस भी वैल्यूएबल होना चाहिए, उसकी भी वैल्यू होनी चाहिए. वैल्यू को छोड़ के साइंस का कोई अर्थ नहीं है. और अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लिविंग डिक्शनरी इसको डिफाइन करती है कि इंस्ट्रूमेंटलिज्म इज ए प्रैग्मेटिक फिलोसॉफिकल अप्रोच. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. विच रिगार्ड्स एन एक्टिविटी, यानी कि वो क्या मानती है कि कोई भी क्रिया चीफली एज एन इंस्ट्रूमेंट और टूल, अगर वो उपकरण या टूल के संदर्भ में हम देखें तो उसका कोई प्रैक्टिकल पर्पज होना चाहिए, रादर देन इन मोर एब्सोल्यूट और आइडियल टर्म. कोई एब्सोल्यूट आदर्श बातें नहीं करनी है, प्रैक्टिकल बात कीजिए. जो आइडिया हो वो प्रैक्टिकल हो, वो यूजफुल हो, वो पर्पजफुल हो, तब तो सही है. तो आइडिया ही इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए प्रैग्मेटिज्म को इन्होंने इंस्ट्रूमेंटलिज्म कहा. ठीक है, फिर
प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ये क्या कहते हैं, डी वी बिलीव दैट ट्रेडिशनल एजुकेशन इन इट्स रिजिड रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड कंडक्ट इनकरेजेस लर्नर्स टू बी डोसाइल एंड ओबीडिएंट। ये कह रहे हैं कि जो प्रीवियस चल रहा है, जो हमारा ट्रेडिशनल शिक्षा चल रही है, वो लर्नर को सिर्फ ओबीडिएंट बनाता है कि आज्ञा आपको मानिए, टीचर ने कहा तो खड़े हो जाइए, टीचर ने कहा तो बैठ जाइए, जो पढ़ाया गया वो पढ़ लीजिए, कोई सवाल जवाब मत करिए। प्रोड्यूसिंग एन एनवायरमेंट, वो किस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करती है, वी आर लर्नर्स आर इंकरेज टू लिसन एंड लर्न, जहाँ पे लर्नर को हम प्रोत्साहित करते हैं कि उसको सुनना है और सीखना है, बट नॉट नेसेसरीली टू थिंक फॉर देमसेल्फ, लेकिन हम उसको सोचने के लिए बाध्य नहीं करती है। कौन सी शिक्षा? ट्रेडिशनल एजुकेशन, जिसकी ये बुराई या जिसका ये विद्रोह विरोध कर रहे हैं इतने साल पहले, हम आज भी वही ट्रेडिशनल एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। He valued the opportunity. Progressive education provides learners to think and grow. ये कहते हैं कि जो progressive education है वो ये opportunity provide करती है learner को कि वो think कर सके, वो सोच सके, वो बढ़ सके। But believe, लेकिन progressivism में भी कमी है। कब कमी आ जाएगी उसमें? जब वो force younger generations to enact adult standards, producing an environment where learners would be encouraged to think on their own, without understanding the reasoning behind their thinking. वो कह रहे हैं कि progressive education बढ़िया है, कि वहाँ पे बच्चा सोच रहा है, लेकिन तब वो भी गलत हो जाएगा जब वो बिना ये सोचे कि मतलब विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रीजनिंग बिहाइंड देयर थिंकिंग, सोच तो रहा है लेकिन उसको पीछे उसकी रीजनिंग नहीं पता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों हो रही है, क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, वो भी क्लियर होना चाहिए, तब जाके प्रोग्रेसिव एजुकेशन अपने सही मायनों में कंप्लीट होगी। तो डीवी ने दोनों ही थ्योरी को रिजेक्ट किया, ट्रेडिशनल को भी और प्रोग्रेसिव को भी, इस एक्सटेंट में अगर वो ये नहीं कर पाती है तो, क्या? विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रीजनिंग बिहाइंड देयर थिंकिंग, है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि एजुकेटर्स रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, और यहाँ से फिर आ जाएगा एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, उसका भी नाम डीवी से जुड़ा हुआ है। ये कह रहे हैं कि एक रिलेशनशिप होना चाहिए किसके बीच में, अनुभव और शिक्षा के बीच में, यानी अनुभव परक शिक्षा दी जाए, रिकॉग्नाइजिंग दैट नॉट ऑल एक्सपीरियंसेस वर एजुकेशनल। वो कह रहे हैं कि सभी जो अनुभव है वो शैक्षिक नहीं हो सकते। डीवी चैलेंज्ड एजुकेटर्स टू बिगिन प्रोवाइडिंग लर्नर्स विद एक्सपीरियंसेस दैट रिजल्टेड इन ग्रोथ एंड लर्निंग। वो कह रहे हैं कि ये चैलेंज है एजुकेटर के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, कि हम लर्नर को वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकें जो कि ग्रोथ और लर्निंग में हेल्पफुल हो। बिलीविंग दैट दीज एक्सपीरियंसेस वुड समडे रिजल्ट इन ग्रोथ एंड क्रिएटिविटी इन लर्नर्स फ्यूचर एक्सपीरियंसेस, इन अदर वर्ड्स अ गुड एक्सपीरियंस नाउ विल इंपैक्ट फ्यूचर डिसीजंस एंड एक्सपीरियंसेस। वो कह रहे हैं कि आप अच्छा अनुभव उसको देंगे, छात्र को देंगे, तो वो फ्यूचर में बढ़िया डिसीजन ले पाएगा और उसके बढ़िया अनुभव बनेंगे। दिस इज वॉट डीवी कॉल्ड द कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस, इसको ये अनुभव की सततता का नाम देते हैं। और क्या कहते हैं, डीवी बिलीव दैट ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मैटर वाज इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं कि सब्जेक्ट मैटर खराब नहीं है, बट शुड बी इंटीग्रेटेड विद हिज फ्रेंड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। तो यहाँ पे अपने आप साइकोलॉजी से जुड़ जाते हैं जाके, लेकिन ये जो मैटर है वो बच्चे की शक्ति से, उसके इंटरेस्ट से, उसकी पॉजिटिविटी से रिलेट होना चाहिए, तब तो उसका कोई अर्थ है। डीवी ऑन इंक्वायरी, इंक्वायरी पे क्या कहते हैं वो, ही डेवलप द कंसेप्ट ऑफ इंक्वायरी, उन्होंने इंक्वायरी का भी कंसेप्ट डेवलप किया। वो कहते हैं कि प्रॉम्प्टेड बाय अ सेंस ऑफ नीड एंड फॉलोड बाय इंटेलेक्चुअल वर्क, मैंने कि कोई आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यकता परक होगा तब हम उसको सीखना चाहेंगे, तब बच्चा मोटिवेट होगा उसको सीखने के लिए, एंड फॉलोड बाय इंटेलेक्चुअल वर्क, और उसके बाद कोई उससे उस पर काम करवा लिया जाए, कोई असाइनमेंट दे दीजिए उसको, सच एज डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड फाइंडिंग सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशंस एज द सेंट्रल एक्टिविटी ऑफ सच एन एजुकेशनल अप्रोच। यानी कि अगर हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, टीचिंग लर्निंग कराना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, पहले उनको कोई आवश्यकता देनी होगी जिसको डिफाइन करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे, सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन ढूंढ के लाएंगे। दिस ऑर्गेनिक साइकिल ऑफ डाउट, इंक्वायरी, रिफ्लेक्शन एंड द रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंस, यानी कि पहले आप डाउट बच्चे के मन में क्रिएट कीजिए, फिर वो इंक्वायर करे, फिर वो रिफ्लेक्ट करे और रीएस्टैब्लिशमेंट करे, किसका? सेंस या अंडरस्टैंडिंग का, कंट्रास्टेड विद द रिफ्लेक्स आर्क मॉडल ऑफ लर्निंग पॉपुलर इन हिज टाइम। यानी कि उस वक्त जो पढ़ाई लिखाई चल रही थी उसको इन्होंने रिफ्लेक्स आर्क मॉडल का नाम दिया, और इन्होंने कहा रिफ्लेक्स आर्क मॉडल जो है वो बेकार है, हमको डाउट, इंक्वायरी, रिफ्लेक्शन और रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंस चलाना है। द रिफ्लेक्स आर्क मॉडल थॉट ऑफ लर्निंग एज ए मैकेनिकल प्रोसेस, यानी कि जो रिफ्लेक्स आर्क मॉडल था वो लर्निंग को क्या मानता था, यांत्रिक क्रिया, मेजरेबल बाई स्टैंडर्डाइज टेस्ट विदाउट रेफरेंस टू द रोल ऑफ इमोशन और एक्सपीरियंस इन लर्निंग। ये एक यांत्रिक क्रिया थी जिसमें माना जाता था कि इमोशन और एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं। DV was critical of the reductionism of educational approaches, which assume that all the big questions and ideas are already answered and need only to be transmitted to students. ये मतलब उस वक्त की जो approach थी जिसका इन्होंने विरोध किया, वो ये मानती थी कि लगभग सब कुछ ढूंढा जा चुका है और हमको क्या करना है, सिर्फ उसको ट्रांसमिट करना है स्टूडेंट्स पे। इन्होंने कहा नहीं, ही बिलीव दैट ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड मीनिंग्स कुड बी ओपन टू री इन्वेंशन एंड इम्प्रूवमेंट। उन्होंने कहा जितने भी संप्रत्यय हैं, जितने भी अर्थ हैं, सबको आप री इन्वेंट कर सकते हैं।
सब में सुधार संभव है एंड ऑल डिसिप्लिन्स कुड बी एक्सपेंडेड विद न्यू नॉलेज कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. इस तरह की बात वो तब कर रहे थे, इसीलिए हम उनको आज भी पढ़ रहे हैं. डेमोक्रेसी पे क्या कहते हैं ये, इन्होंने कहा डीवी कंसीव ऑफ डेमोक्रेसी इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ सोशल प्लानिंग. वो कह रहे हैं जो प्रजातंत्र है, जो लोकतंत्र है, वो सोशल प्लानिंग का एक क्रियाशील प्रक्रिया है. एंड कलेक्टिव एक्शन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ कॉमन लाइफ. डेमोक्रेसी इज ए कॉन्शियसली कोलैबोरेटिव प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स कंसल्ट विद ईच अदर टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस देयर कॉमन प्रॉब्लम्स. वो कह रहे हैं कि ये कॉन्शियसली कोलैबोरेटिव प्रोसेस, मतलब हम अनजाने में नहीं आपसे बात कर रहे हैं, हम जानबूझकर कोलैबोरेशन में किसी कॉमन समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं. डीवी स्पोक ऑफ डेमोक्रेसी एट सोशल इंटेलिजेंस. इन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी है वो एक तरीके से सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय है. आपको याद होना चाहिए कि सोशल इंटेलिजेंस का टर्म सबसे पहले किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, और यहीं से निकल के आता है क्या आपका ये इमोशनल इंटेलिजेंस. डीवी सजेस्टेड पीपल वुड ट्रीट ईच अदर विद रिस्पेक्ट एंड वुड डेमोन्स्ट्रेट अ विलिंगनेस टू रिवाइज देयर व्यूज व्हाइल मेंटेनिंग अ कमिटमेंट टू कोऑपरेटिव एक्शन एंड एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी. फिर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एजुकेशन, टीचिंग एंड डिसिप्लिन. ये कह रहे हैं शिक्षण, शिक्षा और अनुशासन ये जीवन पर्यंत चलने वाली सामाजिक घटनाएं हैं और जरूरी दशाएं हैं. किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए. और ये क्या कहते हैं, वी लर्न बाय डूइंग, हम करके सीखते हैं. अवर वर्ल्ड इज एन एवर चेंजिंग प्रैक्टिकल वर्ल्ड. हमारा जो संसार है वो सतत परिवर्तनशील है, वो प्रैक्टिकल है, दैट वी कैन ओनली नो थ्रू एक्शन, जिसको हम बैठे बिठाए नहीं जान सकते, हम करके ही सीखेंगे. अकॉर्डिंग टू डीवी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. वो यहाँ तक कह रहे हैं कि शिक्षा और प्रजातंत्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. बोथ इन्वॉल्व एंड फॉस्टर सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेटिंग इन द कॉमन गुड, इनलाइटेंड बाय इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग एंड साइंटिफिक स्पिरिट. इतना अच्छा कुछ लिखा है, इतना कुछ उन्होंने अच्छा कहा है. एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. वो कह रहे हैं शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ऑन विच अवर डेमोक्रेसी इज बिल्ट, और उसके ऊपर ही प्रजातंत्र का निर्माण संभव है. एज ही पुट्स इट, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ. इन्होंने कहा शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा खुद ही जीवन है. कितनी बड़ी बात, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है शिक्षा को लेके. अकॉर्डिंग टू डीवी डेमोक्रेसी मीन्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. वो कह रहे हैं कि प्रजातंत्र का मतलब है कि सबको समान अवसर मिले. इट मीन्स द इमेंसिपेशन ऑफ द माइंड एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म टू डू इट्स ओन वर्क. ये कह रहे हैं कि मनुष्य में ब्रेन में इतना इमेंसिपेशन, इतनी मुक्ति हो जानी चाहिए कि वो अपना काम खुद कर सके, इतना वो मोटिवेट हो. इट मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट एज वेल एज एक्शन, यानी कि आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कार्य करने की और सोचने की. बट फ्रीडम डज नॉट मीन unrestricted freedom. लेकिन इस स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं होना चाहिए कि एकदम निर्बाध छोड़ दिया है आपको. एक्सपीरियंशियल एजुकेशन भी डीवी क्या कहते हैं. डीवी आर्ग्यूड दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द एक्सपीरियंस. हमने बात कर ली कि एक्सपीरियंस देना है, क्वालिटी एक्सपीरियंस देना है, सतत एक्सपीरियंस देना है, कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस की बात की, इसलिए सब कुछ इसको नहीं पढ़ रही हूँ. ठीक है, इसमें आप खुद पढ़ के समझ लीजिए. सॉल्यूशन वाज एक्सपीरियंशियल एजुकेशन एंड एजुकेशनल फिलॉसफी बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्निंग अकर्स थ्रू एक्सपीरियंस. वो कह रहे हैं कि अनुभव से ही शिक्षा मिल सकती है. इतना इन्होंने इस पे काम किया कि इनको मॉडर्न फादर ऑफ एक्सपीरियंशियल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं. डीवी ऑन टीचिंग प्रैक्टिस. अब हम बात करते हैं कि टीचिंग प्रैक्टिस को डीवी ने कैसे कैसे प्रभावित किया और कौन सी टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं जो डीवी के नाम से जुड़ी हैं. इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, आप देखिए यहाँ पे सबको फिर से नहीं एक्सप्लोर करेंगे, आप उसे खुद पढ़ लीजिए. इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग आर डिजाइन टू बी रिस्पॉन्सिव टू द स्पेसिफिक नीड्स, इंटरेस्ट एंड कल्चरल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स. प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं हमको, आपको ये पता होना चाहिए कि डीवी के शिष्य हुए किलपैट्रिक और किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड ढूंढा है. और देखिए प्रोजेक्ट मेथड क्या कहता है, वो भी डेमोक्रेसी की बात करता है, सोशल एक्शन की बात करता है, कोलैबोरेशन की बात करता है. और प्रॉब्लम बेस्ड भी है और कोलैबोरेशन भी है तो प्रोजेक्ट मेथड हो गया. स्टूडेंट इंगेजमेंट की बात क्यों, क्योंकि वो कह रहा है लर्निंग बाई डूइंग, स्टूडेंट के इंटरेस्ट से पढ़ाइए, लर्नर सेंटर्ड होकर पढ़ाइए. डायलॉगिक टीचिंग मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ ओपन स्टूडेंट डायलॉग इन मीनिंग मेकिंग. फिर क्रिटिकल इंक्वायरी क्यों, क्योंकि ये इंक्वायरी की बात कर रहा है, टीचिंग को ये कह रहा है इंक्वायरी. हिज प्रिंसिपल्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग सजेस्ट द टीचर शुड कल्टिवेट एन एनर्जेटिक ओपननेस टू पॉसिबिलिटीज अलॉन्ग साइड अ कमिटमेंट टू रिफ्लेक्टिवली लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. ओके, तो इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें इनसे जुड़ी हुई हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, अगर हम ये मान के चलें कि इन्होंने एजुकेशन को कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया, एंडलेस कॉन्ट्रीब्यूशन है, फिर भी अगर हम इसको समराइज करना चाहें कुछ पॉइंट्स में तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में क्रियाशीलता ये लेके आए. नेसेसिटी ऑफ रिलेटिंग एजुकेशन विद प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ द चाइल्ड, इन्होंने कहा कि बच्चे की जो प्रायोगिक जीवन है उससे शिक्षा को रिलेट कीजिए. फ्यूजन ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दैट डीवी मेड टू एजुकेशनल थॉट. या आप कह सकते हैं कि डीवी साहब ने जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक एस्पेक्ट को जोड़ा है वो इनसे पहले कभी किसी ने नहीं जोड़ा, और ये इनका ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है शिक्षा को.
लेड स्ट्रेस ऑन बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन. ये वैयक्तिक एम को भी महत्ता देते हैं और सामाजिक एम को भी. प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम मेथड इनके थ्योरी से आ रहा है. ट्रेनिंग फॉर प्रोडक्टिव सिटीजनशिप, ये कह रहे हैं कि हमको सिटीजनशिप तो देनी है, प्रोडक्टिव सिटीजनशिप की ट्रेनिंग देनी है. एजुकेशन, इन्होंने कह दिया कि एजुकेशन का मतलब ही क्या है, अटेनमेंट ऑफ सोशल यूनिटी. यानी कि आजकल जो इतना सामाजिक विघटन है, डीवी के हिसाब से ये शिक्षा नहीं है. अगर शिक्षा होती तो सामाजिक एकता होती, क्योंकि शिक्षा का अर्थ ही है कि सामाजिक एकता की प्राप्ति हो जाए. और मेन फीचर्स, यानी कि ये समराइज्ड वे है, ये कंक्लूजन है टीवी का, क्या कि इंटरैक्शंस एंड कम्युनिकेशंस फोकस्ड ऑन एनहांसिंग एंड डीपनिंग शेयर्ड मीनिंग्स इंक्रीज पोटेंशियल फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट. शेयर्ड एक्टिविटीज क्यों, क्योंकि कोलैबोरेशन और डेमोक्रेसी इनके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. सोशल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि शेयर्ड एक्टिविटीज जो है वो इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट है लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए. स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन देयर इंटरेस्ट्स आर एंगेज. वो कह रहे हैं कि तब बच्चा सबसे अच्छे से सीख सकता है जब आप उसकी रुचि के हिसाब से चलेंगे, उसकी रुचि उसमें आ जाएगी पढ़ाई लिखाई में. लर्निंग ऑलवेज बिगिंस विद स्टूडेंट्स इमोशनल रिस्पॉन्स, यानी इमोशन की, एक्सपीरियंस की महत्ता है. स्टूडेंट शुड बी एंगेज इन एक्टिव लर्निंग एंड इंक्वायरी. आप उसको एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाइए अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का. इंक्वायरी कराइए. इंक्वायरी इन्वॉल्व स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टिंग इंटेलिजेंटली ऑन देयर एक्सपीरियंसेस इन ऑर्डर टू अडैप्ट देयर हैबिट्स ऑफ एक्शन. और एजुकेशन इज अ की वे ऑफ डेवलपिंग स्किल्स फॉर डेमोक्रेटिक एक्टिविटी. ओके, ओ माय गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और कितना कुछ है. मैं सब कुछ कहाँ कवर कर पाई, बहुत कुछ छूट गया, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम आंसर्स आप डीवी पर कर पाए. प्रैग्मेटिज्म है, फिर नेचुरलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म है, फिर प्रॉपरली प्रैग्मेटिज्म नहीं है, इंस्ट्रूमेंटलिज्म है, एक्सपीरियंशियल एजुकेशन है, इंक्वायरी है, डेमोक्रेसी है, कितना कुछ है, अथाह है. ठीक है, तो पढ़िए, तैयार कीजिए. थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप 2. ओके, done from myself.